जय श्री श्याम। ना चाशनी ना मावा, ना लड्डू ना चिक्की, इस बार ठंडकों में बनाए बिल्कुल नई तरह की मुंह में घुल जाने वाली ये रेसिपी। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल नई रेसिपी जो मैंने तिल और गुड़ से बनाई है। इतनी टेस्टी कि जाते ही मुंह में घुल जाए, और जिसके लिए ना कोई हमको चाशनी बनानी है और ना कोई मेहनत करनी है, फटाफट बन जाएगी इतनी सॉफ्ट टेस्टी ये बर्फ़ी। तो चलिए आज मैं बताती हूँ मैंने इतनी टेस्टी बर्फ़ी किस तरह बनाई है, जो बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और सर्दियों के मौसम में मकर संक्रांति में ये बर्फ़ी का लुत्फ़ उठाएंगे। अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ और मैं बताती हूँ मैंने सुपर टेस्टी सॉफ्ट सी मैंने दोनों बर्फियाँ किस तरह बनाई है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। आयरन और विटामिन B12 से भरपूर ये तिल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम यहाँ पे वाइट वाला तिल। मैं ले रही हूँ यहाँ पे पॉलिश तिल, आप नॉर्मल तिल भी ले सकते हैं। अब सेम कटोरी के मेजरमेंट से यहाँ पे ले रही हूँ मैं गुड़ का पाउडर, आप नॉर्मल जो गुड़ होता है ना उसको भी ले सकते हैं, बस उसको ग्रेट कर लीजिएगा ताकि मेल्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। अब तिल को मैं यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक मैं अच्छे से भूनूंगी, और जब तक ये चिटकने लग जाए, हल्की सी स्मेल आने लग जाए और तिल जो है थोड़ा थोड़ा फूलने लगता है, बस उस स्टेज तक हम इसको यहाँ पे अच्छे से सेकेंगे। अब जब ये अच्छे से सिक जाएगी फिर मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए। ध्यान रखिएगा हम तिल जब भी पीसेंगे जब ये कम्प्लीटली पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो तिल है ना यहाँ पे कम्प्लीटली एकदम ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सर जार में डाल करके मैं इसका पाउडर बना लूँगी। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा तिल निकाल ले और थोड़े का पाउडर बनाए, या फिर आप दरदरा पीसें, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दरदरा पीसूँगी, क्योंकि एकदम अगर हम लोग पाउडर फॉर्म में बनाएंगे ना तो वो लड्डू जैसा टेस्ट आएगा, वो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा दरदरा यहाँ पे तिल को अच्छे से पीस लिया है। अब तिल तो मेरा पीस के रेडी हो गया। अब आप कोई भी कढ़ाई या पैन ले लीजिए, उसमें बस थोड़ा सा ग्रीसिंग करने के लिए देसी घी हम लेंगे, कोई एक्स्ट्रा घी की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस ग्रीसिंग करने के लिए थोड़ा सा मैंने घी लिया ताकि गुड़ नीचे चिपके नहीं। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 4 स्पून पानी। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो स्पून यूज़ करी है ना वो छोटा वाला स्पून यूज़ किया है, बस 4 स्पून पानी ऐड करूँगी और जस्ट इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और बस हमको लो फ्लेम में इतना ही पकाना है ताकि ये पूरी कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए और बबल्स आने लग जाए, फिर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। कोई चाशनी बनाने का इसमें ज़रूरत नहीं है। गुड़ आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी मिठास आपको चाहिए। अब लो फ्लेम में इसको हम बराबर चलाते रहेंगे, और हमको जब तक बस चलाना है गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें थोड़े थोड़े बबल्स आने लग जाए, और फिर जब बबल्स आने लग जाएंगे फिर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए मेरा गुड़ जो यहाँ पे परफेक्टली मेल्ट हो गया, बबल्स आने लग गए, अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब मैंने जो तिल पीसा था ना अब वो मैं ऐड कर दूँगी और इसको फिर हम मिक्स कर लेंगे, और जब तिल यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। अब मैंने ऐड किया था यहाँ पे 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। बाय द फॉल्ट जब मैं मिल्क पाउडर डाल रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरा कैमरा ऑफ था तो उसका क्लिपिंग लेना रह गया। तो आप इस स्टेज में यहाँ पे मिल्क पाउडर ज़रूर ऐड करिएगा, इससे जो है बर्फ़ी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मिल्क पाउडर, तिल और गुड़ को देखिए अब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो मिल्क पाउडर की जगह आप यहाँ पे मावा भी डाल सकते हैं, पर मिल्क पाउडर क्या घर में ईजिली सभी के पास रहता है, तो इसलिए आप मिल्क पाउडर ऐड करिए और देखिएगा बर्फ़ी कितनी सॉफ्ट और कितनी टेस्टी बन के रेडी होगी। अब देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, और 1 पार्ट में ऐड करूँगी यहाँ पे इलायची का पाउडर, और मैं इलायची का पाउडर डाल करके देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये एक पेस्ट जैसा बनके रेडी हो जाएगा। अब जो ये सुपर टेस्टी हमारा यहाँ पे पेस्ट बनके रेडी हुआ है ना, चलिए इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टिन लिया, नीचे बटर पेपर लगा दिया। आप चाहे तो सिंपली प्लेट में यहाँ पर पे थोड़ा सा देसी घी की ग्रीसिंग कर करके आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाथ में पानी लूँगी और फटाफट इसको गर्मा गर्म में ही सेट करना है, क्योंकि इसमें गुड़ है वो बहुत जल्दी अपना शेप ले लेगी बहुत। तो बस देखिए हल्का सा पानी मैंने हाथ में लिया ताकि मुझे गर्म ना लगे, और बस इसको सेट कर दिया। थिकनेस बर्फ़ी की आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब पूरा पेस्ट अच्छे से सेट हो जाएगा फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश कर दिया, और बस इसको भी हल्का हल्का सा दबा देंगे ताकि ये बर्फ़ी में अच्छे से पेस्ट में सेट हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने बनाई यहाँ पे इलायची और बादाम पिस्ता फ्लेवर की यहाँ पे बर्फ़ी, और इतनी टेस्टी बनी थी ना मुँह में जाते घुल जाएगी ये तिल और गुड़ की बर्फ़ी।
तो चलिए अब मैं यहाँ पे दूसरे बच्चों के लिए बना लेती हूँ। तो इसके लिए जो मैंने पेस्ट और अलग निकाल के रखा था ना एक बाउल में, अब वो ले लेती हूँ। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी टूटी फूटी, बच्चों को टूटी फूटी तो बहुत पसंद होती है। ये जो गजक बर्फ़ी जो तिल से बनती है ना, मैंने देखा है बच्चे कम खाना पसंद करते हैं, बच्चों को कम पसंद आता है। तो बच्चों के लिए मैं जो ऐड करती हूँ ना, मैं तो थोड़ी सी टूटी फूटी ऐड कर देती हूँ। बच्चे टूटी फूटी देखते ही ना आराम से खा लेते हैं, और इतनी टेस्टी, इसमें जो फ्लेवर आता है ना टूटी फूटी का, इतना टेस्टी आता है ना, बच्चे तो बच्चे हम बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। तो देखिए अब मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब मैं इसको भी सेट कर लूँगी और थोड़ी सी टूटी फूटी मैं ऊपर से गार्निश कर दूँगी, ताकि देखने में भी और सुंदर लगे। ये जब बाइट में बीच बीच में इसमें टूटी फूटी आती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ी कलरफुल भी लगती है, तो बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ये गुड़ और जो तिल से जो बर्फ़ी या फिर गजक लड्डू जो भी बनता है, ये बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी आराम से खिला सकते हैं और वो बहुत शौक से खाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने दोनों अपनी बर्फियाँ बना के रेडी करी। तो जिस तरह मैंने ये बनाई है ना, फटाफट बनने वाली तिल और गुड़ की बर्फ़ी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वाकई में ये बहुत टेस्टी बनी थी, शाइन भी बहुत अच्छी आई थी, खाने में एकदम परफेक्ट टेस्टी, एकदम सॉफ्ट। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिएगा फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। तो अब मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो के संग, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड जय श्री श्याम।